जिस आदमी को हम किडनैप कर लिए हैं, अब जब मुझे कम से कम 5 करोड़ मिलेगा तभी मैं इनको छोड़ूंगा। भाई साहब सबको नमस्कार, विष्णु प्रभाकर का। और आज हम लोग जा रहे हैं सज धज के एकदम तैयार होके घूमने, और इस वक्त है गांव में नहीं शहर में, और शहर का नाम है बेंगलोर। इनसे मिली इस्मात दूल्हा टाइप का भाई मोहन जी है, अरे मेरा छोटा भाई दीपू। सबको तो हम लोग आज जा रहे हैं घूमने, काफ़ी दिन से सोच रहे थे थोड़ा कहीं चला जाए, तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो मोहन जी आप रेडी है ना? रेडी है बिल्कुल। तो अपनी गाड़ी भी तैयार है जी, तो चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं फिर बात करेंगे। तो मोहन जी ये बताइए कब से आप बेंगलोर में हैं? हम तो करीब करीब 5 से 6 साल। 5 से 6 साल तो कितना मजा आता है बेंगलोर में? बेंगलोर के बारे में 5 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है वो क्या है? बेंगलोर में आपने क्या सीखा है, क्या अच्छा लगता है बेंगलोर का? मौसम इधर का बेला चला मौसम, मौसम का तो मैं भी दीवाना हूँ। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है आप सबको बता दूँ, एकदम 24/7 जो है एक चत्तर की ठंडी रहती है, मस्त है। शाम को हल्का हल्का गर्मी लगता है, और सुबह लगिए तो ऐसा लगता है कि सर्दी लग जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। तो हम लोग आ गए हैं हमारे जो विधाता है उनको रिसीव करने, ये इसी जंगल में रहते हैं। ये देखिए, ये जैसे बिहार से भाग कर आए हैं, ठीक है, वनवास काल चल रहा है इनका। मैं दिखा दूँ ये लोकेशन, देखिए ये यहीं बाबा हरकिता नंद जी महाराज, ये इसी जंगल में रहते हैं। इसी जंगल में कुल 17 साल का वनवास है ना इनका, 17 साल का वनवास है, जिसमें से ये 14 पूरा कर लिए हैं और 3 साल पूरा कर, 3 साल यानी जो ही 2024 कंप्लीट होगा मोदी जी वाला, तो इनका वनवास खत्म हो जाएगा। तो हम हरकिश जी का वेट कर रहे हैं। और काम ठीक नहीं बैठे हरकिश भाई, एक बार आ कीजिए इधर, देखिए हमारे हरकिश भाई है, ये इन्हीं के बारे में कह रहा था, ये 17 साल के लिए बिहार को त्यागे हैं, 14 साल कंप्लीट हो गया है, इसी जंगल में रहते हैं, 3 साल बाद ही बिहार जाएंगे। आइए स्वागत है आपका। हाँ। इतना लेट क्यों आया? फाइन है आप लोगों के ऊपर। अरविंद भाई क्या लेट किया है? ये अच्छी बात नहीं है। देखिए तो 15 साल में आपने बेंगलोर में क्या सीखा हरकिश भाई, क्या कैसा लगा बेंगलोर आपको, ये बताइए हमारे जो दर्शक देख रहे हैं। कुछ हुआ नहीं? क्या कुछ नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था? कैसे हुआ ना, इतना बड़ा बड़ा आप बिल्डिंग बना लिए हैं, बिल्डिंग भाड़ा पर लगा लिए, मैं बिल्डिंग बना के सब भाड़ा पर डाल दिया, जमीन ले लिए हैं, ये पूरे जंगल को छेका के कैप्चर करके रखे हैं। बताइए कितना एकड़ छेका है? कितना एकड़ है? ये 2-3 एकड़ कमाए, अरबों की प्रॉपर्टी है भाई, इसको दे देता हूं। वो भी बेंगलोर में है, बेंगलोर जैसे शहर में एक 60-40 का कोई एरिया ले आदमी तो 50-60 लग जाता है, ये आदमी 3 एकड़ कैप्चर करके रखे हैं। आओ जी भाई, नाश्ता नहीं कीजिए सर, गाड़ी बता दीजिएगा नहीं लगे, क्या बन रहा है नाश्ता? डोसा बन रहा है, अरे डोसा चलिए जब तक बाद में, चलिए उधर कर लेंगे, वो तो झगड़ा है, नहीं नहीं यार बाद में कर लेंगे, चलिए चलिए ओके बाय। डोसा करो सर, बाय बाय बाय। डोसा भाई जो तक दो भैया डोसा खाएंगे तो बोसा हो जाएंगे, डोसा उधर खा लेंगे ना, तो मैं इधर ही रह जाऊंगा। तो अब हम लोग निकल गए हरकिश भाई, अभी बताइए, चलिए हम लोग मुद्दे पे आते हैं, इतना बड़ा जंगल को लूटे कैसे हैं आप? ये जंगल जब मैं आया था बेंगलोर पूरा खाली दिख रहा था। अच्छा, उस समय मैं क्या किया, अरे यार ये पहाड़ी इलाका है, जंगल है, तो मैं एक जगह थोड़ा अस्थाई कर लेता हूँ कि ये पूरा हो जाएगा मेरे। ओके। तो इसको जो है हम वो जंगल में कोई नहीं था, बोलता था उसको भूत बंगला। अच्छा अच्छा, सब वहाँ समझिए भूत का वासना था। ओके ओके। उस समय डर के मारे कोई नहीं आता था, कोई नहीं आ रहा था। मैं बोला एक बार अपना देखता हूँ क्या है भूत, बिहारी दिमाग लगाते हैं थोड़ा। हाँ, बिहारी दिमाग लगा करके वहाँ पे एक मचान डाल दिया। अच्छा, छोटा सा जो है खोपड़ी बना के। ओके। मैं वहाँ पे रहने लगा। अच्छा, और रहने के लिए मैं भर दिन काम करता था कहीं, और रात का आ जाके वहाँ पे सोता था। अच्छा अच्छा। ओके। और रहते रहते जो है मैं आज
उस जगह को अपना बना लिया। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने आपको कुछ नहीं बोला है? अभी गवर्नमेंट जो मेरे पे बीबीएमपी और बीडीए वाला जो है केस डाला है उस जगह। तो आप क्या बोलते हैं उसको? मैं उस पे केस डाल के दो केस मेरे को क्लियर हो चुका है। अच्छा अच्छा, अभी एक सिविल कोर्ट में केस रखा है। अच्छा अच्छा, वो अभी चल रहा है। तो ये तो काफी बड़ा प्रॉपर्टी का आपने झोल किया है। हाँ हाँ, झोल नहीं किया, एक मेहनत की। अच्छा, है उसको। तो कितने करोड़ का होगा ये प्रॉपर्टी? ये मिनिमम जो है अभी का सीजन में तो कम से कम आपको 20 करोड़ का लगभग दिखा रहा है। मेरे को भी एक बाबा एक छोटा सा घर बना के मुझे भी दे दो। तो मैं सोच रहा था जितना भी गरीब है ना रोड पे जो झोपड़ी झापड़ी वाला, उन लोग को जो है ना मैं फ्री दान कर दूं, एक बंगला बना करके, एक एक रूम। अच्छा अच्छा, एक एक किचन। ऐसा मत बोलिए, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ना सब पहुंच जाएंगे भाई पैसे वाले बोलेंगे मैं बहुत गरीब हूँ भाई नहीं लेकिन आप मेरे को देंगे कि नहीं? मैं तो बहुत गरीब हूँ सही में। हाँ? आप तो दान देने वाले हैं। हाँ? आप तो लग नहीं रहे हैं ना गरीब जैसा। तो मैं क्या करूँ, कपड़ा फाड़ लूँ अपना? ऐसा मत कीजिए ऐसा मत। तो देखिए हरकित भाई का मेहनत तो आगे में रंग लाया है और 15 साल में दबा के जमा पूंजी बना है। अब हम लोग मास्क लगाते हैं क्योंकि अब हाईवे आ गए हैं। तो आप सब लोग को हाईवे का नजारा दिखाते हैं, उसके बाद जो है आगे हम लोग अपने लोकेशन पे पहुंच के बात करते हैं, ठीक है ना? हम लोग, हमारे साथ हमारे कुछ मित्र हैं, मोहन जी हैं, हरकित भाई हैं, अरविंद भाई हैं, दीपू हैं। तो हम लोग हैं इस समय बेंगलोर में और यह बेंगलोर का देवनहल्ली है, यानी टीपू सुल्तान की पैतृक भूमि, टीपू सुल्तान का गांव। और ये किला देखिए, ये शानदार नज़ारा देवनहल्ली का है। कर्नाटक का देवनहल्ली, यहाँ पे काफ़ी बड़े सुंदर सुंदर मंदिर भी हैं। इतना ज़बरदस्त है ये, देखिए आप ये दीवार कितना मतलब चौड़ा है, इससे आप इसकी मजबूती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चौड़ाई भाई कम से कम नहीं तो 15-20 फीट होगा भैया। हाँ, 20 फीट चौड़ा दीवार है और आप सबको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पूरा जो है चारों तरफ से जो है कैप्चर किया गया है ये। और ये टीपू सुल्तान का गांव, इतिहासकारों के मुताबिक बताया जाता है कि टीपू सुल्तान का जन्म सन 1750 को हुआ था और 1799 ईस्वी में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये भी बताया जाता है बेंगलोर का एक मेन पैलेस जो है, बेंगलोर के मेन पैलेस से गुंबज है अंदर की तरफ, यानी ज़मीन के अंदर से रास्ता है और टीपू सुल्तान अंदर बेंगलोर मेन पहले से जो है डायरेक्ट मैसूर चला जाता था। और बेंगलोर से मैसूर की दूरी कितना है? 119 लगभग 200 किलोमीटर है। अपने जानने वाले खड़ा हुआ है, इससे हम लोग बिना पैसे खाना खाएंगे पैसा नहीं देंगे। तो पहले आप लोग इस ढाबे का नज़ारा देखिए।
पार्टी भी कर सकते हैं। हाँ, ये एकदम, ये कौन सा लोकेशन है मोहन? ये देवन अली, देवन अली एकदम एयरपोर्ट के पास में ही है, मस्त हैदराबाद हाईवे पे। और ये देखिए गगन ढाबा, ये हमारे एक जानने वाले हैं, उनका है। ओके, पहले पराठा दो फिर बाद में सोचते हैं डोसा को क्या करना है। दो पराठा। बैठो 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 बैठो, कहाँ जाना है? आप कहाँ जाएंगे? पीछे वाला। हम जाएंगे संत नगर खुटौना। टिकट दीजिए, माल दीजिए पहले। कितना भाड़ा? भाड़ा 2000 रुपये माल। चलो भाई आ जाओ, यूपी बिहार एक्सप्रेस 500 रुपये भाड़ा है। गोरखपुर एक्सप्रेस है सीधा डायरेक्ट। टेलीकॉम ऑफिस के सामने विकेट कीपर अपना ग्लव्स लेकर तैयार। तो हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, कहाँ पहुंच गए पता नहीं, कहाँ पहुंच गए हम लोग, जहाँ पहुंचने थे वहाँ पहुंच नहीं पाए। और ये वही शख्स है जो हम लोग को धोखे से लेकर आया है यहाँ पे, लेकर जाना था कहीं और चले आए कहीं और। मोहन क्यों उस जगह पे हम लोग नहीं गए? शायद वहाँ पे पता लगा है जो कुछ डैमेज हो गया है। हाँ, रोड डैमेज हो गया है तो रोड क्लोज कर दिया है। तो हम लोग सोचा पाए हैं तो थोड़ा सा कुछ पहाड़ियों का नज़ारा देख लिया जाए। और आप सब ये देखिए, ये एकदम पहाड़ी शानदार। तो आज का हम लोग का टूर पूरा हो गया। पूरा तो करना चाहते थे लेकिन अभी तक अधूरी है भाई साहब के वजह से, अधूरा रह गया। फिर भी मज़ा आया, पुराने दोस्त मिले और अच्छा लगा। हमारे ये हकीम एम जुबैर साहब जो ये गुप्त रोग के बड़े अच्छे जानकार हैं, ये दवा भी देते हैं। अभी लॉकडाउन में इनका धंधा चेंज हो गया है। और ये इस आदमी को हल्के मत लीजिएगा, 2 एकड़ कब्जा कर लिए हैं कर्नाटक में। वो भी उसकी कीमत है 20 करोड़ रुपए। और इस आदमी को हम किडनैप कर लिए हैं। अब जब मुझे कम से कम 5 करोड़ मिलेगा तभी मैं इनको छोड़ूंगा। तो इनके घर वाले पैसा की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा। और इनके मैंने सही आपको देना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात, वैसे दे देंगे। वैसे भी आपको मैं देना चाहता हूँ कि 2 करोड़ मेरा दोस्त आपको दिए एंजॉय करने के लिए। अरे भाई मेरे को एक काम कीजिए, मेरे को बस 20 लाख दे दीजिए। 20 लाख तो नहीं दे पाऊंगा अभी। 2 लाख रुपया दे सकता हूँ फिलहाल, आप एंजॉय कीजिए। 2 लाख बस है? हाँ, अभी हाँ, मेरा तो बहुत सारा दोस्त है, सबको देंगे, सबको दे। चलिए ठीक है, तो ये कैमरे में बोल रहे हैं अगर नहीं देंगे तो मैं इनके घर पे जाकर कब्जा कर लूँगा। ठीक है, ये रिकॉर्ड किया जाए पूरी तैयारी के साथ। देखिए तो आज का कहानी हम लोग ख़त्म करते हैं। तो सब लोग एक बार हमारे भाइयों को बाय, अलविदा बाय, और फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी।